हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पीछे से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है. वेरिएबल्स कौन कौन से लेते हैं अपन. वेरिएबल्स आर दोज हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स, लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी. ये सारे क्या हैं इसके अंदर, वेरिएबल्स. और कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. नाउ टू वेरिएबल्स मींस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, जैसे कोई भी दो वेरिएबल, या तो एक्स वाई हो या एक्स ए हो. ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए, दैट इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब जिसके अंदर इक्वल हो. इक्वेशन मींस एन एक्सप्रेशन विच हैव इक्वल साइन. नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हो और वो लाइन की इक्वेशन हो. लीनियर डिनोट्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन. लास्ट लेक्चर में अपने जो पॉलिनॉमियल्स पढ़ा था, तब अपने पढ़ा था लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है. लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री, लीनियर के अपन ने बात करी थी, लीनियर पॉलिनॉमियल क्या था, जिसकी डिग्री थी 1. सो सेम वे लीनियर इक्वेशन क्या होगी, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री होनी चाहिए 1. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 एंड हैव टू वेरिएबल्स, दैट इज एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड, एनी टू वेरिएबल्स. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये एक लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है. सिंस इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और इसमें इक्वल का साइन है, और दोनों की डिग्री कितनी है 1, तो ये लीनियर हो गया. दो वेरिएबल्स हो गए और इक्वल का साइन है, दैट मीन्स इक्वेशन आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो जनरल फॉर्म किस फॉर्म में होती है अपने पास, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इक्वल का साइन है और दोनों की पावर कितनी है 1. ए बी और सी, इस केस में ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स. ए बी और सी यहाँ पर क्या है, रियल नंबर्स है, दैट मीन्स इनकी वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट होगी. यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई. एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, वेरिएबल्स. सो दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई. ए बी और सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट. तो लीनियर इक्वेशन हो गई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई. कुछ केसेस देख लेते हैं इसके, कि ए बी और सी की वैल्यू कैसे कैसे डिपेंड करेंगी इसके अंदर. अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ, तो अगर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, आपके पास ये वैल्यू ज़ीरो नहीं है, और बी लेट अस सपोज ज़ीरो है, तो इक्वेशन कैसी बनेगी. इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अब अगर ये बी वाली पार्ट ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो इंटू वाई तो ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, ए एक्स इज इक्वल टू सी. सो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में. जब आपके पास b ज़ीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ सेकेंड, लेट अस सपोज a ज़ीरो के इक्वल है और b नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी. ये a ज़ीरो हो गया, तो क्या बचेगा अपने पास, बी वाई इज इक्वल टू सी. अगेन ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया. यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, y. अपन इसका ग्राफ पढ़ेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा. इसका ग्राफ बनेगा इसे, अभी नेक्स्ट टॉपिक ही अपना वो ग्राफ वाला, उसमें पढ़ लेंगे. नाउ थर्ड कंडीशन इज
Let us suppose A is not equal to 0, B is not equal to 0, but C is equal to 0. First, दोनों केस में C 0 के इक्वल नहीं था, A और B के लिए कंडीशन बोली थी. अगर इसके अंदर C 0 हो जाता है थर्ड कंडीशन में तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? ये C 0 हो गया तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी अपने पास? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0. तो क्या हो गया अपने पास? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही है अभी. और फोर्थ कंडीशन A not equal to 0, B not equal to 0 and C is also not equal to 0. So equation is of the form AX plus BY is equal to C. Now, अगर मैं first और second condition की बात करूँ तो ये linear equation two variable नहीं है, ये भी linear equation two variable नहीं है. तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि आपका A और B 0 नहीं हो सकते. किस केस में? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है. क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा, और बी जीरो हो जाएगा तो अगेन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा. तो कंडीशन मस्ट फॉर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज ए बी सी आर रियल नंबर्स सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. ए और बी 0 नहीं हो सकते. ए और बी 0 होते वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज ऑफ द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. मेन फॉर्म कौन सी अपनी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. सो नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म वही जनरल. अभी अपने लीनियर इक्वेशन वन टू वेरिएबल में एक इक्वेशन देखिए. अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है और एक वेरिएबल दे रखा है तो वी कैन फाइंड आउट लाइक इफ इट इज गिवन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से? x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बट अगर मुझे दे रखा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, यहाँ से मैं x और वैल्यू y की वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकती हूँ. बट मुझे अगर एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं तो वी वांट टू इक्वेशन टू सॉल्व यूनिक सॉल्यूशन. एक अगर मुझे कॉमन सॉल्यूशन चाहिए x और y का तो उसके लिए दो इक्वेशन की नीड होती है. तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन की नीड है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशन की नीड होगी, और लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स के लिए तीन इक्वेशन की नीड होगी. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0. आपकी एक इक्वेशन इस फॉर्म में होगी जिसमें ए वन बी वन सी वन कोई भी तीन रियल नंबर्स होंगे और x और y एक वेरिएबल है अपने पास. सेकेंड इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0. ये सेकेंड इक्वेशन होगी किसी भी फॉर्म में. जैसे अभी मैंने एक इक्वेशन लेट अस सपोज मान ली, एग्जांपल ले लेते हैं इसका अपन. लेट अस सपोज मैंने मान लिया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन जो होगी उसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए, आप कोएफिशिएंट और कॉन्स्टेंट को चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स 3x माइनस 4y इज इक्वल टू लेट अस सपोज 8 है. सो दिस आर लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल. इसका वेरिएबल सेम रहेगा, इसके जो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट चेंज हो जाएंगे. व्हाट इज कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट इन दिस? जैसे मैंने बोला अभी स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ए जो है वो कोएफिशिएंट है x का, बी जो है वो कोएफिशिएंट है y का, और सी इज कांस्टेंट. यहाँ पर सी क्या है अपने पास? कांस्टेंट. ए इज कोएफिशिएंट ऑफ x वेयर इज बी इज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट. सो ये जनरल फॉर्म देख लिया, और अपने स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया कि किस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए आपके. नाउ नेक्स्ट इज ग्राफिकल सॉल्यूशंस. ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ
pair of linear equations. ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स, ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अपन को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स पढ़ेंगे अपन इस लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में. पहला मेथड है ग्राफिकल सॉल्यूशन, सेकंड है अपने पास इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. तीन चार चार मेथड्स है टोटल. सबसे पहले अपन ग्राफ से सॉल्व करके देखते हैं कि दो इक्वेशंस को ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे. तो जब भी अपन दो लाइंस का, किसी भी दो लाइंस के ग्राफ बनाएंगे तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, तीन केस हो सकते हैं. केस वन, आपके जो दो लाइंस का ग्राफ बनाओगे वो यहाँ तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी दोनों. दो लाइंस में क्या क्या केसेस बन सकते हैं, यहाँ दोनों लाइंस, आप दो लाइंस का ग्राफ बना रहे हो तो दोनों लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी इस तरीके से, मतलब वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. दो लाइंस का ग्राफ बना रहे हो. सेकेंड केस क्या हो सकता है, लाइंस पैरेलल आ सकती हैं. पैरेलल लाइंस मीन्स अगर एक लाइन ऐसी है तो सेकेंड लाइन जस्ट उसके पैरेलल हो जाएगी, मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट दोनों लाइंस नहीं करेंगी. और केस थ्री क्या होगा इसका, कि वो दोनों लाइंस जो होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी या ओवरलैप लाइन बोल सकते हैं. लाइक अगर एक लाइन ऐसी आ रही है तो सेकेंड लाइन एग्जैक्टली उसके ऊपर ओवरलैप कर रही होगी, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस. तो किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के ग्राफ इसी तीन कंडीशन में बनेंगे, या तो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, क्योंकि कभी भी दो लाइंस एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, मतलब या तो इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, या तो एक पॉइंट होगा या नो सॉल्यूशन होगा अपने पास. और यहाँ पर जो है ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है. तो जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको अपन बोलते हैं कि उनका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन है. जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, द टू लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उनका एक ही पॉइंट ऐसा आएगा जो कि कॉमन होगा. इसके बारे में अपन आगे और पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ सॉल्वर में कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे चेक करना होता है. अभी अपन सिर्फ ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं. नाउ अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, मतलब उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की. जब भी लाइंस पैरेलल आएंगी तो अपन क्या बोलेंगे कि उन दोनों लाइंस का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए अपन नो सॉल्यूशन बोलते हैं. और अगर एक पॉइंट कॉमन आ रहा है तो अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन. और कोइंसिडेंट लाइंस है तो अपन बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. दैट मीन्स कि ये दोनों, ये भी पॉइंट उनका कॉमन होगा, ये भी पॉइंट, ये भी सारे पॉइंट जो है ये कॉमन होंगे, इसलिए अपन क्या बोलेंगे उन दोनों लाइंस के कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो अगर आपसे बोला जाए किसी भी क्वेश्चन में कि चेक करें कि ग्राफ का, ग्राफ में यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा वरना नहीं होगा. सिमिलरली नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए. और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन, दोनों लाइंस ओवरलैपिंग होनी चाहिए. अब ग्राफ के थ्रू चेक करते हैं इसको अपन. जैसे लेट सपोज मुझे किसी भी दो इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन. ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है अपन को वो भी देख लेते हैं. अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं एक नॉर्मल सी इक्वेशन से जिसमें एक ही वेरिएबल दे रखा है. लेट सपोज अगर एक वेरिएबल दे रखा है मेरे को एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, मुझे इसका ग्राफ बनाना है. अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि इस केस में बी क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई होता है. अगर बी वाई नहीं है तो बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से माइनस फाइव. जब आप एक्स इजिकल टू माइनस फाइव का ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. अपन ऑलरेडी जानते हैं ये पॉइंट्स होते हैं ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर. दिस इज़ माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव. दिस इज़ वन, टू, थ्री. दिस इज़ माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री. ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव का ग्राफ बनाना है तो इस इक्वेशन को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, एक्स प्लस ज़ीरो वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ज़ीरो इंटू वाई कितना हो जाएगा, ज़ीरो. अब मैं यहाँ पर
y की वैल्यू अगर 1 पुट करूँगे, अगर y की वैल्यू 1 पुट करते तो 1 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 5। आप y की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 0 इंटू 2 0 आएगा, तो भी x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 5। y की वैल्यू 3 पुट करेंगे अपन तो भी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 5, मतलब x की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट रहेगी माइनस 5, y की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी पुट करो। सो ग्राफ कैसा बनेगा इस तरीके से, रीज़न 0 पे भी माइनस 5, 1 पे माइनस 5, 2 पे माइनस 5, 3 पे माइनस 5, माइनस 1 पे माइनस 5, माइनस 2 पे माइनस 5, जो भी वैल्यू रखूँगी माइनस 5 आएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ से अपन ने देखा कि अगर बी इक्वल टू 0 है तो आपका ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं लेट अस सपोज सेकेंड एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मेरे को दे रखा है वाई प्लस टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम वे दिस कैन बी रिटन एज ज़ीरो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू कर देते, ज़ीरो एक्स लगा लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 आएगा, तो इन सारे केसेस में y की वैल्यू तो कितनी आएगी 2 ही आएगी। सो प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, दिस इज 1 2 3, यह है 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है आपके पास। तो y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। रीज़न 1 पे भी 2 आएगा, 2 पे भी 2 आएगा, 3 पे भी 2 आएगा, मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ 2 आएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस, कब, जब आपका a 0 होगा। मतलब अगर इक्वेशन y में है तो पैरेलल टू x एक्सिस, और इक्वेशन अगर x में है तो पैरेलल टू y एक्सिस। इस तरह से ग्राफ चेक कर सकते हैं अपन। ये तो अपन ने किसका पढ़ा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, अब टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे लेट अस सपोज कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं अपन, जैसे मेरे को ड्रॉ करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। मिनिमम कितने सॉल्यूशंस निकालते हैं, 3 सॉल्यूशन। ये अपन ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं जब अपन ने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ रीड किया था। इसमें मिनिमम कितने सॉल्यूशंस निकालने, 3 सॉल्यूशंस निकालने। लेट अस सपोज अगर मैं वाई की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। वाई की वैल्यू अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देती हूँ तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। इस एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 5 वाई इज इक्वल टू 5, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 2 पे आ जाएगा 3। मिनिमम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए 3 वैल्यूज मिनिमम निकालनी है अपन को। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। दिस इज 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट है 0 पे 5, ये 0 है और ये 5। सेकंड पॉइंट है 1 पे 4, ये 1 x एक्सिस का और y एक्सिस का 4। 2 पर कितना आ रहा है 3, 3 पे आ जाएगा आपका 2। ज़रूरी नहीं आपको ये पॉइंट्स निकालना, व्हेन यू जॉइन ऑल दीज पॉइंट यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये किसका ग्राफ बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। नाउ अब जब भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे रखा होगा तो दो इक्वेशन दे रखे होंगे आपको, अभी मैंने बताया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए कितनी इक्वेशंस होंगी, दो इक्वेशन होंगे। एक ले लेते हैं अपन, जैसे लेट अस सपोज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 है। अब मुझे दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग ग्राफ। ग्राफ यूज़ करके कैसे निकालेंगे, पहले मुझे दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। कितनी वैल्यूज़ निकालनी होती है, टोटल मिनिमम 3 वैल्यूज़ निकालनी होती है x और y की। इस वाले में मुझे मिनिमम कितनी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, 3 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी x और y की। अब x की ऐसी वैल्यूज़ पुट करें कि y मिल जाए। नाउ वैल्यूज़ पुट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ट्राई टू पुट वैल्यूज़ इन इंटीजर, यू कैन पुट इन फ्रैक्शन ऑल्सो बट वो डेसिमल्स में आ जाएंगे। तो अपन किस में पुट करेंगे, इसके
ट्राई करेंगे कि वैल्यूज़ कैसे पुट करें अपन इंटीजर्स में. जैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्योंकि 0 हो जाएगा, 2y = 12, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6. वाई की 0 पुट कर दूँगी तो ये 0 हो जाएगा, 3x = 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 4. मैंने क्या बोला, मिनिमम 3 वैल्यूज़ निकालनी है. थर्ड कोई भी वैल्यू पुट कर दे, जैसे मैं 3 पुट कर देती हूँ तो 9, 12 - 9 करेंगे 3 आएगा, 12 - 9. अपन अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 times 3 + 2y = 12. सो 2y = 12 - 9, 2y = 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2. आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और इफ़ यू वॉन्ट इन इंटीजर यू कैन फाइंड आउट. तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर देती हूँ तो आई एम गेटिंग 3/2, एंड 3/2 = 1.5. अब फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैंने 3 पुट कर दिया, 3 × 3 कितना हो गया था अपने पास 9, 2y कॉमन -3, तो 2/3/2 आ जाएगा. नेक्स्ट मुझे इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं. सेम उसी तरीके से ट्राई टू पुट वैल्यूज़ इन इंटीजर ओनली. अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो ये 10 हो जाएगा, -1 तो 3 आ जाएगी वैल्यू. एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, सेकंड मैंने एक्स की वैल्यू 5 पुट कर दी, 25 - 1 = 24 कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स. और कोई भी एक वैल्यू पुट कर देता, जैसे एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ, 0 नहीं पुट करके अपन कुछ और वैल्यू पुट करते हैं ताकि नॉन टर्मिनेटिंग ना आए. तो एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, 3 पुट कर देती हूँ मैं, -3y = 1, 15 - y = 3y, y की वैल्यू 14, 3y = 14/3 आ जाएगा. इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी. सो यहाँ पर ही आ जाएगा 14/3 = y. अब 14/3 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इसको अपन अप्रॉक्स वैल्यू भी ले सकते हैं इसमें, तो ये अराउंड आ जाएगा आपके पास 4.6. तो अगर मैं यहाँ पर x के लिए 3 पुट करती हूँ तो मेरे को यहाँ पर अराउंड 4.6 पुट करना होगा. नाउ मुझे ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे. यहाँ पर अपन एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ का. दिस इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज़ -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. पहला पॉइंट है 0 पे 6, ये 0 और ये 6. पहले अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो 0 पे 6 है, 4 पे 0, ये 4 पे 0 हो जाएगा, और लास्ट है 3 पे 1.5, ये 3 है और ये 1.5 हो जाएगा. व्हेन यू जॉइन दीज 3 पॉइंट्स, आई डोंट हैव अ ग्राफ पेपर तो अभी एग्जैक्ट लाइन नहीं दिखेगी अगर आपको, तो आप जब इसको ज्वाइन करोगे तीनों पॉइंट को तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. थ्री पे कितना था अपने पास 1.5. जब इस तीनों ग्राफ पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब उनको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. ये किसका ग्राफ हो गया अपने पास, 3x + 2y = 12 का. नाउ उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. 2 पे कितना है 3, 2 पे 3 ये वाला पॉइंट आएगा. नेक्स्ट 5 पे 8, 5 पे 8 ये वाला पॉइंट आएगा. और 3 पे 4.6 ये वाला पॉइंट आएगा. ये इस तरीके से आपका ग्राफ पास हो जाएगा. अब जिस भी पॉइंट पे ये मीट करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स जिस भी पॉइंट पे ये मीट करेंगे वो उनका क्या हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन. तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा और यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या पॉसिबल है. नेक्स्ट इज लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ 15/x + 2/y = 17 एंड x = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. क्वेश्चन नंबर 1 इज कि आपको एक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है. वैसे तो ये डिनोमिनेटर में इसको अपन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ता है, बट अभी भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं.
एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इक्वेशन में अपन एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, 15 बाय एक्स था तो एक्स की वैल्यू कितनी रखी इक्वेशन में, 3 प्लस 2 बाय वाई इज इक्वल टू 17। 15 बाय 3 इज 5 प्लस 2 बाय वाई इज इक्वल टू 17। सो 2 बाय वाई इज इक्वल टू 17 माइनस 5 हो जाएगा, ये प्लस 5 उधर जाएगा, तो 2 बाय वाई इज इक्वल टू 12। मैंने सॉल्व इसको नीचे भेजेंगे यहाँ पर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 बाय 12 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/6। तो इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6। ऐसा आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, बट एक सॉल्यूशन बोला था x इज इक्वल टू 3 पे, तो अपन x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ 5x माइनस 2y इज इक्वल टू k, वन ऑफ आंसर और वन ऑफ सॉल्यूशन इज 2, -2, देन फाइंड k। अब आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसका एक सॉल्यूशन दे रखा है। मैंने अभी बताया कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल में तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसमें एक सॉल्यूशन दे रखा है। अगर ये एक सॉल्यूशन दे रखा है तो एक आपको पता है जब भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ होता है तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट मानते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट मानते हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है अपन को, दैट मीन्स तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। इक्वेशन थी 5x माइनस 2y इज इक्वल टू के, 5 टाइम्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, 2 टाइम्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है माइनस 2 इज इक्वल टू के। सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तो यहाँ से अपन के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 विल बी। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको बताना है कि इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो किस टाइप का बनेगा। किस टाइप का मतलब, या तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या पैरेलल लाइंस होंगी, या फिर ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। तो आपको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मिनिमम 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई के। अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी तो वाई की वैल्यू 5 आएगी, 1 पे 4 आ जाएगी, 2 पे 3 आ जाएगी। आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि कैसे आएंगे वैल्यूज़। सेकेंड ग्राफ बनाना है मुझे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखूँगी अगर मैं तो वाई की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास। दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाकर चेक करते हैं कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, किस टाइप का ग्राफ बनेगा। कैसे पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करके ग्राफ पे, दिस इज़ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, 1, 2, 3, नेक्स्ट इज वाई 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहला पॉइंट है 0, 5, मतलब 0 पे 5 होना चाहिए, एक्स का 0 वाई का 5 ये वाला पॉइंट होगा। नेक्स्ट x के 1 पे y के वैल्यू 4 होनी चाहिए, ये x का 1 और y के वैल्यू 4 ही आएगा। थर्ड 2 पे आएगा 3, ये आपका ग्राफ बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का, दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 0 पे कितना है माइनस 1, दिस इज़ माइनस 1, दिस इज़ माइनस 1, दिस इज़ माइनस 2, माइनस 2, 0 पे माइनस 1 ये वाला पॉइंट होगा। 1 पे क्या है 0, 1 पे 0 वाला पॉइंट होगा। और थर्ड है 2 पे 1, 2 पे 1 ये वाला पॉइंट होगा।
जब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो गई। अब दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, किस टाइप का बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड शो दैट लाइन्स आर पैरेलल। आपको शो करना है कि उस इक्वेशंस के लाइन्स कैसे होंगी, पैरेलल। अब लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी हैं? एक है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं जिसमें मुझे शो करना है कि इन दोनों लाइंस का जो आएगा वो लाइंस पैरेलल आएंगे। तो अपन डायरेक्ट ग्राफ से चेक कर सकते हैं कि कैसे आएंगे, लाइंस पैरेलल आएंगे नहीं आएंगे। तीन पॉइंट्स निकाल लेते हैं एक्स और वाई के, यहाँ पर भी तीन पॉइंट्स निकाल लेंगे एक्स और वाई के। जैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो 2 आ जाएगी। अभी मैं दो ही पॉइंट्स निकाल के बता देती हूँ आपको, 3 पुट करोगे तो 1 आ जाएगी। सिमिलरली इसका अगर आप पुट करोगे तो 2 पुट करेंगे अगर एक्स की वैल्यू, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, अभी 0 पे 2 आ जाएगा। आपको मिनिमम तीन वैल्यूज़ निकालनी है। अभी अपन दो से ही चेक कर लेते हैं कि लाइन्स पैरेलल आएंगे कि नहीं आएंगे। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। पहला है 1 पे 2, ये वाला पॉइंट होगा। सेकेंड इज 3, 1, ये 3, 1। तो आपकी लाइन जो जाएगी वो इस तरीके से यहाँ से पास होते हुए जाएगी। सेकेंड है अपना, सेकेंड वाले का 2 पे 1, 2 पे 1, ये वाला पॉइंट होगा। और 0 पे 2, एक्स 0 पे y इज इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट होगा। तो लाइन्स ऐसे जाएंगी, ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो लाइंस कैसे होंगी? पैरेलल लाइंस। तो आप ग्राफ से चेक कर सकते हो कि लाइंस पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी और ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज शो ग्राफिकली। सो अपन ये कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन यही है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशंस ग्राफिकली। इक्वेशंस है अपने पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब आगे क्वेश्चन में बोल रखा है शेड द एरिया बाउंडेड बाय, शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइन्स एंड वाई एक्सेस। और आगे बोल रखा है अपन से ऑल्सो डिटरमाइन द एरिया, सो क्वेश्चन क्या है कि अपन को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है दोनों और एरिया निकालना है। पहले तो अपन दोनों की इक्वेशन जो है उसकी एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं कि x माइनस वाई और इसकी अपनी टेबल मतलब ग्राफ कैसा बनेगा। तो पहली इक्वेशन थी मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसकी एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। मिनिमम कितनी वैल्यूज़ निकालनी है? 3 वैल्यूज़ निकालनी है x और y में।
सेकेंड इक्वेशन अपने पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसके एक टेबल ड्रॉ कर देंगे। मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है 3। ये वाला किसका ग्राफ बना रहे हैं अपन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का। मिनिमम 3 वैल्यूज़ निकालने के लिए वैल्यूज़ कौन कौन से वैल्यूज़ आएंगी, आप 0 पुट करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रही हूँ मैं, 1 पे 0, 2 पे 1 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 0.8, 1.6, 3.2। ये मैंने 3 वैल्यूज़ इसकी फाइंड आउट कर ली। नाउ सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है अपन को। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, दिस इज़ 1, 2, 3 एंड 4, वाई एक्सिस माइनस 1 एंड माइनस 2। पहले उस वाले इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, 0 पे कितना आ रहा है, माइनस 1। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो वाई की वैल्यू आ रही है माइनस 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड इज़ 1.0, एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू 0 आ रही है, और 2 पे कितनी आ रही है, 1। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा आपका एक। ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, यहाँ पर इक्वेशन पुट कर, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, जब एक्सटेंड करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का ये ग्राफ है। सेकेंड 2x प्लस वाई का ग्राफ है 0 पे 8, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 8। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर आपके पास ऑलरेडी होगा, उसमें ड्रॉ कर सकते हैं अपन। दिस इज 5, 6, 7 एंड 8। नाउ 0 पे कितना है अपने पास, पहला पॉइंट 8, 1 पे 6, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 6 है, और 3 पर है 2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास। इन दोनों लाइंस को जब, इसको जब अपन ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का। तो ग्राफ बन गया अपने पास। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एक तो सॉल्व करना था, शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस, इन दोनों लाइंस के बीच में एरिया और वाई एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है वो शेड करना है। ये बन रहा है, ये वाई एक्सिस है, और ये दोनों लाइंस के बीच में जो एरिया है ये शेड करना है। ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट इसका। लास्ट पार्ट है ऑल्सो डिटरमाइन द एरिया, सो ये लास्ट पार्ट है इसका, ये ख़त्म हो जाएगा आपका टॉपिक यहाँ पर। एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर यहाँ से हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी, सो दिस विल बी द हाइट। ये कितना सेंटीमीटर है, यहाँ से आकर अगर मैं देखूँ तो हाइट कितनी है इसकी, 3। और अगर बेस निकालें तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी लेंथ होगी, ये होगा बेस। ये कितने यूनिट्स है, अगर मैं 8 से लेकर 0 तक काउंट करूँगी तो 8 यूनिट्स हो गए, और 0 से लेकर माइनस 1 काउंट करूँगी तो टोटल 9 यूनिट हो गई। टोटल यूनिट्स कितने हो गए यहाँ से, ये हो गया 9 यूनिट्स, और वो 3 यूनिट्स हैं। तो एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अपने पास हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ ऑफ बेस कितना हो गया 9, और हाइट हो गई 3, विच इज़ इक्वल टू 27/2। ये इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, दैट इज़ 27/2, और वी कैन से 13.5 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से अपन एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ का। दिस इज़ ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफ।